बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 9 के पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे। फेडरल बोर्ड ने 9 क्लास की केमिस्ट्री के हवाले से कुछ पेपर भी जो है वो अपलोड किए हैं वेबसाइट पे। तो जो पेपर पैटर्न है उसमें उन्होंने एक स्कीम दी हुई है कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो है उस पर पहले बात कर लें तो टोटल 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर पूछा जाता है। पहले चैप्टर में से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, दूसरे में से दो आएंगे, तीसरे में से एक आएगा, चौथे में से एक आएगा, पांचवें में से दो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, छठे में से दो आएंगे, सातवें में से एक आएगा और आठवें चैप्टर में से भी दो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। अगर हम बात करें सेक्शन बी की तो ये 33 मार्क्स का पेपर जो है वो सेट होगा। इसमें 15 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपने 11 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें चैप्टर नंबर 1 में से दो क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से तीन क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से एक आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से तीन क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से एक क्वेश्चन आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 से दो क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 7 से दो क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 8 में से एक क्वेश्चन आएगा। अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो ये 20 नंबर के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे, यानी तीन क्वेश्चन होंगे, इनमें से आपने दो करने होंगे। और ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने एक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी अगर क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो दोनों पार्ट उसके अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट आप एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें और दूसरे का दूसरे के साथ मिला के करें। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 3 से दोनों उसके पार्ट्स आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चैप्टर 7 और चैप्टर 3 में से उसके दोनों पार्ट्स बनेंगे। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर 2 से और चैप्टर नंबर 5 से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अगर इसको हम इसका एनालिसिस करें तो ये बात सामने आती है कि जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 3 है और चैप्टर 5 है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनमें से जो है बल्क ऑफ द पेपर जो है वो बनेगा, स्पेशली जो आपके ऑब्जेक्टिव है और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे के सारे इन्हीं चैप्टरों पे अगर आप फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। खास तौर पे जो 20 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं और जो आपके जो 33 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, अगर उस पे आप फोकस करें तो देखें आप दूसरे चैप्टर में से, चौथे चैप्टर में से और छठे सातवें चैप्टर में से आप 10 सवाल यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी आप इन चैप्टर, चार चैप्टर को अगर तैयार करें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो आप 10 सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिर्फ एक आपका क्वेश्चन जो है वो रह जाएगा। और इसके साथ अगर आप पहला भी आप जो है वो चैप्टर तैयार कर लें, तो पांच चैप्टर तैयार करने से आपका जो है वो सेक्शन बी जो है वो आराम से